दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ YouTube का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है 2023 का वो रोल आउट कर दिया गया है हर किसी के चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि शॉर्ट्स चैनल भी मोनेटाइज होगा, शॉर्ट वीडियो पर भी एड आएंगे और शॉर्ट के थ्रू भी YouTube चैनल क्रिएटर्स जो है कि अर्निंग कर पाएंगे। जैसा कि लॉन्ग वीडियो से अर्निंग करते हैं उसी तरीके से शॉर्ट वीडियो से भी अर्निंग करेंगे। ये 2-3 महीने पहले ही अपडेट आ चुका था जो कि 2023 में रोल आउट किया जाएगा हर किसी के चैनल पर। तो फाइनली गाइज वो रोल आउट कर दिया गया है 10 तारीख से, जो कि हर किसी के चैनल पर एक नोटिफिकेशन आया होगा। अगर आपका YouTube चैनल पहले से मोनेटाइज भी है तो फिर भी आपको वो नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आपको पूरा का पूरा सेटिंग करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपका YouTube चैनल पहले से मोनेटाइज है तो आपको वह डीमोनेटाइज हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद आप कुछ भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाइस आपको वहां पे अगर आप शॉर्ट वीडियो से पैसे कमाना चाहते हो फिर भी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज है फिर भी आपको उसको नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आपको पूरा सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हम न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी को एक्टिव कैसे करें अपने चैनल पर, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सौदागर और आप देख रहे हैं टेक्निकल सौदागर यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं इसी तरीके कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आपको यहाँ पे वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जिस तरीके से मैं ओपन कर लिया हूँ यहाँ पे देख सकते हो मेरा जगह यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन रिक्वायर्ड, एक्सेप्ट न्यू टर्म्स टू स्टेप इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड स्टार्ट अर्निंग शॉर्ट्स एड्स रेवेन्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा के शॉर्ट्स फीड के जरिए से आप रेवेन्यू करने के लिए यहाँ पे पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिव्यू एंड एक्सेप्ट, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। आपका वहाँ पे क्रोम ब्राउजर में भी आया होगा, अपने यूट्यूब को ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर में तो वहां पे भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप चाहे तो वहां पे क्रोम ब्राउजर में जाकर के कर सकते हो, अगर आप चाहे तो वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन के जरिए से भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहां पे क्या करना है, सबसे पहले रिव्यू एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने में थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहां पे आपका लिखा हुआ है व्हाट चेंजिंग, यानी कि आप क्या चेंज करना चाहते हो। यहां पे सबसे पहले जो है बेस्ट टर्म्स लिखा हुआ है, देख सकते हो यहां पे बेस्ट टर्म, उसके सामने में जो यहां पे रिव्यू लिखा हुआ है आपको सिंपली यहां पे रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने में यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके ओपन हो जाएगी। यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, आप चाहे तो इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ने के लिए जानते तो आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं तो आसानी से पूरा समझ जाएंगे पढ़ करके। तो मैं यहाँ पे पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा रीड कर चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे में जो कि एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट द बेस्ट टर्म्स का यहाँ पे टिक करने को कहा जा रहा है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है बेस्ट टर्म्स के यहाँ पे टिक हो चुका है। अब यहाँ पे व्यू करने को कहा जा रहा है, यानी कि देखने के लिए कहा जा रहा है, तो हम इसके ऊपर कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है गाइस दूसरा, यहाँ पे जो लिखा है वॉच पेज टर्म्स, यानी कि अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है पहले से तो आपका जो है कि वीडियो में एड आ रहा होगा और आपका वीडियो से अर्निंग हो रही होगी, आपको सिंपली इसे रिव्यू करना है। तो आपको ऊपर की यहाँ पे जो रिव्यू का बटन दिया गया है तो आपको सिंपली रिव्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी यूट्यूब मोनेटाइजेशन से रिलेटेड सारी टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, आपको सिंपली इसे रीड कर लेना है। सिंपली रीड कर लेना है, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और उसके यहाँ पे नीचे में जो कि फिर से आई एक्सेप्ट वॉच पेज टर्म्स के ऊपर यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक्सेप्ट वाला बटन हाइड हो जाएगा, आपको सिंपली एक्सेप्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके यहाँ पे पूरा दोनों में यहाँ पे टिक लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टिक लग चुका है, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे व्यू का बटन दिखाया जा रहा है और यहाँ पे भी व्यू का बटन दिखाया जा रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अब यहाँ पे दोनों पे हो चुका है टिक कर दियो। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में जो सबमिट वाला बटन दिखाया जा रहा है आपको सिंपल इस बटन पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना सा करते ही गाइस आपको यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल राउंड हो रहा है। ये सर्कल राउंड होने के बाद थोड़ी ही देर में आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ रहा है स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम शॉर्ट फीड, ये पूछ रहा है कि आप शॉर्ट फीड से अर्निंग करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। अगर आप इसे बाद में भी करना चाहते हो तो यहाँ पे डू इट लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैं यहाँ पे अभी करने वाला हूँ। हम यहाँ पे गो टर्न ऑन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इतना सा करते ही यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ अर्न फ्रॉम एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियम इन द शॉर्ट्स फीड, यानी कि हम यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए से पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे टर्न ऑन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने में नेक्स्ट पेज खुल करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूरा टर्म एंड कंडीशन दिया गया है कि आप शॉर्ट फीड के जरिए से, यानी कि शॉर्ट्स वीडियो के जरिए से आप पैसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं, अन्यथा ऊपर की तरफ जैसे
जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल कर देने के बाद यहाँ पे भी आपका सेम यहाँ पे आई एक्सेप्ट डेटा सोर्स फिट टर्म्स के ऊपर यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद एक्सेप्ट वाला बटन हाईलाइट हो जाएगा, आपको सिंपली एक्सेप्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी सर्कल राउंड ले रहा है और यहाँ पे थोड़ी सी समय लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है। जैसा कि देख सकते हो वॉच पेज एड्स, यानी कि ये एड लॉन्ग वीडियो में मेरा पहले से चल रहा था तो ये एक्टिव था, जो मैंने रिव्यू किया तो फिर से यहाँ पे एक्टिव हो चुका है जो कि पहले से था। उसके बाद यहाँ पे गाइस शॉर्ट्स फीड, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट्स फीड है, यहाँ पे भी एक्टिव हो चुका है। अब जो भी शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके जरिए से मुझे अर्निंग होगी, वो सारा का सारा मुझे मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है अगर आप लॉन्ग वीडियो से अर्निंग करते हो तो 45% यूट्यूब रख लेता है और 55% क्रिएटर्स को देता है, लेकिन गाइस शॉर्ट वीडियो के जरिए से आप जो भी अर्निंग करोगे तो आपको 45% ही मिलेगा और 55% यूट्यूब रखेगा। 45% यूट्यूब रखता है, 45% क्रिएटर को देता है, लेकिन बीच में जो 10% बचता है जो आप किसी का म्यूजिक यूज करोगे तो उसे दे दिया जाता है। तो ये सारा चीज आप वहां पे समझ ही गए होंगे पहले से ही। तो यहाँ पे दोनों में मेरा एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पे मेंबरशिप, जो भी मेंबरशिप अगर आप एक्टिव किए होंगे पहले से तो ये एक्टिव रहेगा, अगर आप नहीं किए होंगे तो यहाँ पे नहीं किया हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे सिंपली कर लेना है अगर आप एक्टिव करना चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पे सुपर चैट, जो भी सुपर थैंक्स सुपर चैट का बटन आप जानते ही होंगे, वो सुपर अगर आप पहले से एक्टिव कर लिए होंगे, अगर आपके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा तो यहाँ पे एक्टिव दिखाया जाएगा, अगर आप एक्टिव नहीं किए होंगे पहले से तो आपका यहाँ पे डीएक्टिव दिखाया जाएगा। फिर से जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताया उसी तरीके से आप करोगे तो आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो फाइनली मेरा यहाँ पे एक्टिव है सुपर, क्योंकि मैं पहले से एक्टिव करके रखा था। और यहाँ पे नीचे में आ रहा है शॉपिंग, शॉपिंग भी अगर आप एक्टिव करना चाहते हो तो एक्टिव कर सकते हो, अन्यथा मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। तो मेरा यहाँ पे सारा का सारा सेटअप हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सेटिंग कर लेना है जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ, एक भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप एक भी मिस्टेक कर देते हो तो आपको बहुत ही भारी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। जो भी न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसे एक्टिव कर लेना है एक स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ, चाहे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है या आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये सब कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।